हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अगर आपका वेबसाइट गूगल का ब्रॉड कोर अपडेट के बाद डाउन हो चुका है, किस तरीके से आप अपना वेबसाइट को फिर से आप कर पाएंगे, फिर से अपना SEO को आप ऑन पॉइंट रिवाइव कर पाएंगे। लास्ट 3 महीने के अंदर गूगल का मेजर 4 ब्रॉड कोर अपडेट गूगल ने लॉन्च किया एंड वो सक्सेसफुली रोल आउट भी हो चुका है, यानी अप्लाइड हो चुका है। एंड उनके वजह से बहुत सारा वेबसाइट में ट्रैफिक का मेजर डिफरेंस आ चुका है, कुछ का डाउन, कुछ का पार्शियली डाउन एंड कुछ का बेसिकली ट्रैफिक अप हो चुका है। अगर आपका वेबसाइट भी डाउन हो चुका है तो कुछ टिप्स प्रोसेस के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जिससे आपका वेबसाइट को आप आसानी से रिवाइव कर पाएंगे। हालांकि मेरा कुछ पर्सनल वेबसाइट इस कोर अपडेट के बाद अप हो चुका है, उसका रिजल्ट मैंने लास्ट वीडियो में आपको शेयर किया था। ऑलमोस्ट 10% का CTR मुझे मिल चुका है इस कोर अपडेट के बाद, क्योंकि मेरा वेबसाइट एकदम अप टू मार्क था। तो ट्रैफिक को रिवाइव करने का फास्ट स्टेप, सबसे पहले फिगर आउट करिए आपके वेबसाइट के अंदर कौन सा चीज़ बेसिकली डाउन हुआ है। कुछ पर्टिकुलर पेजेस, पोस्ट, URL या कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड जिसके अंदर आप रैंक कर रहे थे। सबसे पहले किसी भी रोग का इलाज करने से पहले उसका मेन प्रॉब्लम को जानिए। तो इधर पे आपके वेबसाइट के आने के बाद आपको जानना होगा बेसिकली कौन सा चीज़ है जो बेसिकली आपके वेबसाइट के अंदर डाउन हुआ है। अभी देखो, इसको फाइंड आउट करने का एक बेसिक एकदम आसान रास्ता है। तो एग्जैक्टली कौन सा चीज़ डाउन हुआ है, पेजेस, क्वेरी या कीवर्ड या URL, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल का सर्च कंसोल पे जाना होगा। उसके अंदर आपका कीवर्ड लिस्टिंग, URL, पूरा डेटा आपके सामने आ जाएगा। साथ ही साथ आप और एक काम करें, आप आपका वेबसाइट अगर बिंग में सबमिट किए हैं तो गूगल बिंग का बिंग वेब मास्टर करके टूल रहता है, देन गूगल सर्च कंसोल का डेटा एंड बिंग वेब मास्टर का डेटा को कंपेयर करें, दोनों में क्या सिमिलर चेंजेस आए हैं। अगर ट्रैफिक डाउन हुआ है तो सेम कीवर्ड के ऊपर, अगर कीवर्ड के ऊपर आया होगा तो गूगल सर्च कंसोल पे एंड बिंग का वेब मास्टर पे दोनों में ही क्या सेम कीवर्ड के ऊपर डाउन हुआ है। अगर कोई पर्टिकुलर URL, पोस्ट कुछ भी आता है तो दोनों में क्या सेम आ रहा है। अगर दोनों में सेम आ रहा है तो मतलब आपके उस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होगा, उसको आप फाइंड आउट करिए। कंटेंट का कमी हो सकता है या कुछ इनवैलिड लिंक भी आपके वेबसाइट के अंदर, मतलब उस पर्टिकुलर पेज के अंदर हो सकता है, या हो सकता है उस पर्टिकुलर URL को किसी अदर वेबसाइट ने स्पैमी लिंक ऐड कर दिया है बैकलिंक वगैरह। आप चेक करिए, आपका रिजल्ट आपके सामने, और इसको खोजने के बाद आप आसानी से इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका सर्च कंसोल का एंड बिंग वेब मास्टर का दोनों का डेटा अलग अलग आ रहा है, मतलब एक में डाउन एक में बराबर है, ठीक है, तो आप देखिए कि गूगल के अंदर उस टॉपिक के अंदर कौन सा चीज़ रैंक हो रहा है, ठीक है, देन आपका कंटेंट को थोड़ा सा अपडेट करिए, आपका रैंकिंग फिर से वापस आ जाएगा। याद रखें, आपका वेबसाइट का ऑडिट, मतलब आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर, लिंक, बैकलिंक कितने वेबसाइट से आ रहा है उसको ब्लॉक करिए फौरन, एंड आपका कंटेंट को आप ऑप्टिमाइज करिए। यही एक रास्ता है, बाकी इसके बाहर का रास्ता नहीं है। लेकिन आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा कौन सा प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है, प्रॉब्लम पोस्ट पे, URL पे या कीवर्ड के ऊपर है, उसको सबसे पहले फाइंड आउट करिए। अगर सब चीज़ ऑडिट करने के बाद आपको लगता है कि आपका वेबसाइट एकदम परफेक्ट है फिर भी डाउन हुआ है, तो चिंता मत करिए, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको करते जाइए। विद इन 3 to 4 months के अंदर आपका वेबसाइट का जो लेवल है, जो ग्राफ है, बेसिकली वो अप हो जाए। ट्रैफिक को रिवाइव करने का सेकेंड पॉइंट, एंड ए पॉइंट बहुत ही कॉमन है, ऑलमोस्ट हर एक ब्लॉगर ही करते हैं, एंड इसका कोई सीजन नहीं रहता है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, जब भी हम लोग कोई सा भी प्लगइन या थीम को अपडेट करते हैं, मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर क्या करते हैं, GPL null थीम को यूज़ करते हैं, या अगर प्लगइन भी ऑथेंटिक यूज़ कर रहे हम लोग प्लगइन को या थीम को अपडेट करते, उसी दौरान कभी कभी गलती से आपके उस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर नो इंडेक्स टैग लग जाता है। नो इंडेक्स मतलब उस पर्टिकुलर पेस्ट को इंडेक्स नहीं करना है, तो गूगल इंडेक्स नहीं करता है। अगर इंडेक्स भी है तो उसको डी रैंक कर देता है रैंकिंग से, इसके कारण से आपका ट्रैफिक डाउन हो सकता है। कई कई बार robot.txt का भी एरर आता है, मतलब सर्च कंसोल पर जाने के बाद हम लोग बार बार जो साइट मैप रहता है, sitemap.xml, clone_index.xml, इस टाइप का बहुत सारा साइट मैप रहता है, हम लोग बार बार साइट मैप को चेंज करते हैं। ऐसा मत करिए, इससे आपका ट्रैफिक का नुकसान ही होता है। साथ में एक प्रो टिप, देखिए लास्ट 3 महीने के अंदर वर्डप्रेस का वर्जन भी अपडेट हो चुका है। इनमें से बहुत सारे लोग वर्डप्रेस को अपडेट भी किए हैं, उनमें से हो सकता है अपडेट करने के दौरान आपके वेबसाइट के अंदर कुछ क्रिटिकल इशू आ सकता है। इसके लिए आपको होस्टिंग पर जाना होगा एंड आपको चेक करना होगा, ये आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं
जो आपका होस्टिंग है जिधर से आप ले रहे हैं, कि इसके अंदर वर्डप्रेस के अंदर कुछ क्रिटिकल इशू तो नहीं है, इसके कारण से आपका वेबसाइट भी डाउन हो सकता है। अपने वेबसाइट का ट्रैफिक को रिवाइव करने का लास्ट तरीका, सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिए, गूगल का SGE लॉन्च हो चुका है, ठीक है। SGE मतलब जो भी गूगल AI रिजल्ट दिखाता है। याद रखे, अगर आपका वेबसाइट इंफॉर्मेशन के ऊपर है, मतलब इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है आपका, एंड आपका बेसिकली जो कीवर्ड है, जो भी कंटेंट है, फीचर स्निपेट पे आ रहा है, यानी जो 3-4 सेंटेंस ऊपर गूगल दिखाता है रीडर्स को, उसके अंदर आ रहा है, तो अपने वेबसाइट को ध्यान से ऑब्जर्व करिए, देखिए आपका वेबसाइट कंटेंट SGE में तो नहीं आ रहा है, मतलब उस AI कंटेंट के अंदर तो नहीं आ रहा है जो गूगल दिखा रहा है। इसके कारण आपका ट्रैफिक का मेजर चेंजेस हो सकता है। तो बेसिकली ये 3 ही पॉइंट है जिसके अंदर आपका वेबसाइट इंपैक्ट हो सकता है, इसके बाहर कोई सा भी पॉइंट नहीं। इसके अंदर मैंने बहुत सारा डीपली बात की है, होपफुली आप समझ चुके हैं, एंड अगर आप इसको सही तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, ऑडिट करते हैं, आपका ट्रैफिक वापस आ ही जाएगा। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझिए, एंड अगर कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं रहता जो मैंने डिस्कस की इसके अंदर, तो आपका ट्रैफिक विद इन 3 मंथ के अंदर रिवाइव हो ही जाएगा। चैनल का बाकी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, मेक श्योर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी ओपिनियन है क्वेश्चन से कमेंट में पूछिए, आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन लेके आ जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मस्टली लाइक करिए।